हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, जैसे जैसे सुजलॉन का शेयर डेली गिर रहा है, सब लोगों को टेंशन हो रहा है कि क्या करें सुजलॉन में, कितना गिरेगा कितना गिरेगा। बट फ्रेंड्स, देखिए ये स्टॉक मार्केट है, इसमें सब कुछ चलता है और शेयर गिरता है मतलब परमानेंट गिरता नहीं है। कोई भी शेयर ना ही नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, ना ही कोई भी शेयर नॉन स्टॉप नीचे जाता है। और जो कंपनी अच्छी है फंडामेंटली, उसमें तो टेंशन होता नहीं है, गिरावट के बाद में फिर से तेज़ी वो शेयर पकड़ता ही है। आइए बात करते हैं सुजलॉन के बारे में इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, हमारी टीम बेस्ट से बेस्ट शेयर बाय करती है पोर्टफोलियो में। मैंने दिवाली मुहूर्त पे दो स्टॉक दिए थे, उसका वीडियो उसके पहले डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ऐसे ही स्टॉक्स हम लोग लेते हैं। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी में आज करीब करीब 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और 38.50 का हाई लगाया था, बट लोअर सर्किट लग गया, ज़्यादा देर नहीं चला और 37.35 रुपीज़ पर लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है सुजलॉन का शेयर। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैंने कहा था आपको कि आज अपर सर्किट लग सकता है, तो मैंने वीडियो में यही कहा था आज या कल, मतलब बुधवार को या गुरुवार को अपर सर्किट लग सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आप देखोगे तो एमओ ऑर्डर लगी हुई है, सिर्फ 333,000 शेयर्स की एमओ ऑर्डर लगी हुई है, जो कि बहुत ही कम एमओ सेलिंग के लिए लगी हुई है। मतलब मार्केट में अभी लोगों को लग रहा है कि कल ये रिवर्सल दे सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कल ये 21 DMA को टच करेगा, 21 डेली मूविंग एवरेज को शेयर कल टच करके हो सकता है बाउंस कर जाए, ये पहला एक पॉसिबिलिटी है। और RSI अभी 56 का है, कल RSI हो सकता है इसका लोअर सर्किट मारा एक तो 53 का हो जाएगा और हो सकता है वहाँ से भी घूम जाए। बट अगर ये जो ऑपरेटर लोग होते हैं, बिग इन्वेस्टर होते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी कि इसने और गिरना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सुजलॉन का शेयर MSCI इंडेक्स में ऐड होने वाला है, उसके पहले उनको मारा मैं, उसके बाद में बहुत तेज़ी बनेगी, तो इसीलिए उसके पहले इसको गिरा के इसका MFI RSI सब एडजस्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है कल एक लोअर सर्किट मारे और रिवर्स मार दे, या फिर मैक्स टू मैक्स परसों तो 100% मारेगा, क्योंकि परसों इसका RSI हो जाएगा 50 का, 50 का RSI हो जाएगा, जबकि ये पहुँच चुका था 85 के RSI तक। तो हो सकता है कल या मैक्स टू मैक्स परसों इसको शेयर को घुमाएंगे वो लोग, और यहाँ से जो रैली शुरू होगी काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है, और इसीलिए कभी भी टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, जब शेयर भागता है जब, और जब नीचे गिरता है जब पकड़ना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, जब भागता है जब पकड़ते हैं और गिरता है जब बेचते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी आपने हाई लेवल पर बाय करके रखा होगा तो चुपचाप बैठ जाइए शांति से, टेंशन मत लीजिए, रिवर्स होने वाला है। या ऐसा शेयर नहीं है कि वही गिरते ही जाएगा और डायरेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा शेयर सुजलॉन का नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो और दूसरा दो बातें हैं, परसों इंपॉर्टेंट क्यों है, 50 का RSI हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34 का वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वहाँ से तो बाउंस लेना ही चाहिए। मोस्टली कल भी रिवर्स ले सकता है, और वहाँ से कल से नहीं लिया तो परसों तो 100% लेगा, जिससे घबराने की बात नहीं है। आपका जो भी लॉस है फिर से रिकवर हो जाएगा अगर आपने हाई रेट में लिया होगा तो, और आपने अगर लो रेट में लिया होगा तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि आपका रेट फिर से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो सुजलॉन का जो ये गिरावट है टेम्प्ररी है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, डरना नहीं है, इतना कोई बुरी खबर नहीं है कंपनी की ओर से, सब कुछ ठीक है, ना ही कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ ये टेक्निकल करेक्शन है जो कि जल्दी ही आपको निगेटिव से पॉजिटिव होते हुए दिखेगा। So don't worry and just wait for the reversal of Suzlon. Thank you, friends.